हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलो प्रेनर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ ग्रीन शॉट। आप ग्रीन शॉट एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप कैसे यूज़ करेंगे और इसको कैसे आप स्क्रीन कैप्चर के लिए और एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पेज है। यहाँ पर आकर अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करके आप मुझे कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस ग्रीन शॉट के बारे में या कुछ और भी पूछ सकते हैं। स्काइप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक मैंने नीचे दिया है यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। इससे अभी बंद करता हूँ मैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आकर आप मुझे ये भी लिंक नीचे दिया है, तो यहाँ पर भी आकर आप मुझे ऐड फ्रेंड करके मिल सकते हैं। ठीक है, इसे भी बंद करता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि ये ग्रीन शॉट है क्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये लिंक जो है डाउनलोड का ग्रीन शॉट का मैंने नीचे दिया हुआ है यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आएंगे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डाउनलोड पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपकी डाउनलोडिंग इंस्टेंटली डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ठीक है, इसे लिंक को भी बंद करता हूँ पेज को मैं। तो ये डाउनलोडिंग जैसे ही हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी करके रखी है, मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे रखी हुई डाउनलोड करके, तो ये आपको ऐसा दिखेगा ग्रीन शॉट इंस्टॉलर करके। इसको आप डबल क्लिक करके जैसे इंस्टॉल करेंगे पूरी तरह से 1-2 मिनट लगेंगे सारे। ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा सिस्टम ट्रे में, जो आपकी टास्क बार होगी वहाँ पर इस तरीके से ग्रीन शॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो ये ग्रीन शॉट लिखा आ गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपने सपोज कीजिए जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, क्लिक इंटेंसिटी करके जो भी नाम है। अब मैंने किसी से मेरी किसी से सपोज कीजिए मेरी किसी क्लाइंट से बात हो रही है यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए ये अविनाश जी हैं, इनसे मेरी बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने इनको अगर कुछ सेंड करना है, जैसे जैसे आप बोल सकते हैं पेमेंट प्रोसेसर कौन कौन से हैं, तो मैंने इनको ये कैसे सेंड करूँगा। ठीक है, यहाँ तो आप मोबाइल से ले सकते हैं बट उसमें बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा, बट हम जैसे लैपटॉप पे बैठे हैं तो हमारे लिए ये टूल काफ़ी हैंडी है। इंस्टेंटली जो है स्नैपशॉट लेकर उसको एडिट करके और ये डायरेक्ट सेंड कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन की प्रेस करनी है अपनी और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है। अगर आपको नहीं पता फंक्शन की और प्रिंट स्क्रीन क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये हो गई हमारी फंक्शन की, लैपटॉप पे हैं अगर आप, अगर अपने कंप्यूटर पे भी हैं तो अभी यहाँ पर फंक्शन की होगी, FN करके इसको दबाएंगे। सबसे पहले दबा के रखिए, मैंने जैसे अभी दबा के रखा हुआ है। ठीक है, और ये है प्रिंट स्क्रीन, ENDPRTSC, इसको दबाएंगे अब दोबारा। अब मैंने इसको दबाना है, ठीक है, फंक्शन की मैंने दबा के रखा हुआ है अभी, और इसको दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा। ये मैंने इसको दबाया, ठीक है, और ये देखिए इसने मेरे पास ये ऐसा कुछ दे दिया स्क्रीन कैप्चर करने के लिए, स्क्रीन कैप्चर मतलब टूल दे दिया एक तरह का ग्रीन शॉट का आप बोल सकते हैं। तो इससे मैं अभी ड्रैग कर सकता हूँ जितना मैं ड्रैग करना चाहूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो मैंने इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और डायरेक्ट जो है जैसे इनसे बात हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ पर आके सीधा पेस्ट कर दूंगा यूँ करके। ठीक है, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया यह सारा यहाँ पर स्नैपशॉट इनके पास इंस्टेंटली चला गया, रादर देन सेव करने से और जो है अपने पास फिर यहाँ से अटैच करने से। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही क्विक है। तो जैसे ही आप समझ गए होंगे मेरी बात, तो अगर आप इसने आपने ऐसे नहीं करना है, अगर सपोज कीजिए मैंने इसको आपने फंक्शन की नहीं दबानी है और प्रिंट स्क्रीन नहीं करना है हर बार, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस पे जाइए, जैसे मैंने पेमेंट प्रोसेसर का इनको बताना है सपोज कीजिए, तो मैं अपने टास्क इस पर ग्रीन शॉट पर गया, मैंने क्लिक नहीं किया इस पर, मैंने राइट क्लिक किया, सबसे ऊपर आएंगे आप कैप्चर रीजन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने कैप्चर रीजन पर क्लिक किया फिर से भी इसने वही टूल दे दिया स्निपिंग टूल, यहाँ पर आके फिर से आपने ड्रैग किया कि पेमेंट प्रोसेसर कौन कौन से हैं, यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया और इनको फिर से पेस्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से इनके पास ये भी इंस्टेंट चला गया और जब आप इनके क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये पूरी इमेज इनके पास शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत ये हैंडी टूल है ग्रीन शॉट का, जो मैंने आपको वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको आप इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए अच्छे से। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी दोबारा स्क्रीन कैप्चर करता हूँ, चलिए कुछ और स्क्रीन कैप्चर करते हैं, अब लेट्स सपोज ये करते हैं एज लॉन्ग एज देर इज़ बिजनेस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पर लिखा है कैप्चर स्क्रीन, तो मैं अब जैसे कैप्चर करूँगा स्क्रीन को, ये मैंने देखिए ये फिर से आ गया, ये मैंने कैप्चर किया इसको और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने छोड़ा ये बोलता है आपको सेव एज करना है, आपको सेव डायरेक्टली मतलब उसी फोल्डर में रखना है, या फिर ओपन इन इमेज एडिटर करना है, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना है, एक्सेल में करना है, एमएस पेंट पे ओपन करना है, कहाँ पे ओपन करना है, ये आपको पूछ रहा है सारी डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आपको सपोज करो इसको एडिट करना है, मेरे को इस इमेज को एडिट करना है, तो मैं जाऊँगा ओपन इन इमेज एडिटर पर क्लिक कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इसने अपना एडिटर हमारे पास शो कर दिया ग्रीन शॉट का। तो इंस्टेंटली इस पर जैसे मैंने अभी सपोज कीजिए ये मैंने इसको रिमूव करना है यहाँ से,
नो मोर को मैंने हटाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ पर, या यहाँ पर आप कुछ भी, बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ पर आकर जैसे मैंने इसको किया यूँ करके, और ये गायब हो गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से इसको मैंने अब जैसे गायब कर दिया, तो मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से जैसे मैंने सेव किया, ये बोलता है एक्सपोर्टेड हो गया टू सेव डायरेक्टली जहाँ पे आपने अपनी सेटिंग रखी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेव आपने रखी है वहाँ पर सेव करके आप इमेज अटैच करके एडिट करके भी भेज सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपने फिर आप नहीं चाहते कि आप अटैच करें, जैसे यहाँ से फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ पे इमेज गई, कहाँ पे आपने रखी है, कौन सी इमेज कहाँ पे है, ठीक है। तो जो है आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा बताया था मैंने आपको, अभी बता के हटा हूँ मैं 2 मिनट पहले, कि जैसे हम स्नैप इस पे हैं अपने एडिटर पे ग्रीन शॉट के, तो यहाँ पर आप फिर से फंक्शन की प्रेस करेंगे और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे, तो फिर से यूँ करके ये कैप्चर आ जाएगा। यहाँ से आप सीधा कैप्चर कीजिए, यूँ करके कॉपी कीजिए इसको, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, डायरेक्ट उठाकर इनको सेंड कर दीजिए यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो ये डायरेक्ट फिर से सेंड हो गया। तो इस तरीके से आप भी ये टूल को, बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज़ कीजिए और जो है अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइए जल्दी से, ठीक है, रादर देन कुछ और यूज़ करने की, ऐसे टूल्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी अपडेट्स लेके आ रहा हूँ, कुछ भी न्यू चीज़ आती है तो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।